पटना में किस लिए आए हैं? मूवी देखने के लिए आए हैं। कौन सा मूवी? संघर्ष 2। संघर्ष 2। आप तो नीलकमल सर का फैन है? नीलकमल सर के फैन है, मगर नीलकमल सर को देखे थे खेसारी लाल सर की मूवी में देखे थे। और दोस्तों स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ। सोगा अभी फिलहाल हम है पटना में, यहाँ पर बिना सिनेमा हॉल में, और हमारे साथ खेसारी लाल के नहीं नीलकमल सिंह के टैटू गर्ल है, जो कि अभी खेसारी लाल का अभी संघर्ष 2 का सिनेमा चल रहा है, उसी सिनेमा देखने के लिए यहाँ पर आया। सबसे पहले मेरा चैनल में स्वागत है। स्वागत है, और दिल से जितने भी लोग देख रहे हैं उनका दिल से मेरे तरफ से प्रणाम। पटना में किस लिए आए हैं? मूवी देखने के लिए आए हैं। कौन सा मूवी? संघर्ष 2। संघर्ष 2। आप तो नीलकमल सर का फैन है? नीलकमल सर के फैन है, मगर नीलकमल सर को देखे थे खेसारी लाल सर की मूवी में देखे थे। अच्छा, कौन सा मूवी? मेहंदी लगा के रखना 3 में देखे थे। हाँ। आप थोड़ा कैमरा मैन से चाहेंगे भैया इधर फोकस कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर नीलकमल, जो कि ट्रेंडिंग स्टार भी माने जाते हैं अभी के दौर में। इनका गाना एक नंबर 3 नंबर पर ट्रेंड करते रहता है। सबसे पहले आपका एक सवाल, आपसे गाना सुनना चाहते हैं, एक अगरबत्ती करके नीलकमल सर का हाँ। गाना है जो कि 1 नंबर पर भी ट्रेंड किया है, थोड़ा गाना ऑडियंस को हो जाए। जरूर। अरे लागता कदी दीवाना हो फोटो के चुमेले रोजाना हो, अरे मान ले ले बिया हमके पति, मान ले ले बिया हमके पति, पगली देखावे अगरबत्ती, पगली देखावे अगरबत्ती। ये वाला गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, सबसे फेवरेट हो गया ये वाला गाना। अच्छा, आप यहाँ पटना में आए, आप नीलकमल सर का टैटू बनाया है जी, खेसारी लाल के फिल्म में, ऐसा क्या लगा कि आप यहाँ पर सिनेमा देखने पटना चलाए? क्यों, अनिल कमल सर को अच्छा लगता है तो मेरे को क्यों नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा, इस संघर्ष 2 में सबसे अच्छा आप सिनेमा देखे हैं? हाँ देखे हैं। कौन सा रोल इसमें पसंद आया खेसारी लाल का? बहुत ही अच्छा, जो हर एक देश पे है वाला फिल्म, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। उनकी कृति बेटी भी बहुत ही अच्छी उसमें जो निभाई है, बहुत ही अच्छा, और मेघा श्री भी बहुत ही अच्छा एक्टिंग उसमें की है, बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, टैटू कितने दिन पहले बनाए थे आप? लगभग 26 मई को मैंने बनवाया था। अच्छा, 26 मई को? 26 मई को मैंने बनवाया था। कितने रुपया लगा थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइएगा? 4000। 4000 एक गर्ल्स हो के कहाँ से लाए थे पैसे? इकट्ठा किया था मैंने। अच्छा, कमाते उमाते हैं क्या? नहीं नहीं, कमाते हैं तो फिर मम्मी पापा दिए थे, इकट्ठा किए थे तब। और अच्छा, जब आपको शादी उदी होगा तो मतलब वो देखेंगे टैटू आर, तो शादी उदी नहीं नहीं करेगा, पसंद नहीं रहेगा तो नहीं करेगा। अच्छा, तब देख सकते हैं नीलकमल सर का टैटू बनाया है, और शादी भी अगर कोई करता है अगर वो पसंद नहीं आएगा तो वो भी उनसे भी शादी नहीं कर पाएंगे, देख सकते, यही ना आपका। तो फिर अगर जो पसंद रहेगा, मान लीजिए रील आदमी एक साथ बना रहा है। अच्छा। और दूसरे दूसरे से शादी कर रहा है। अच्छा। तो उका होगा? अच्छा। उका होगा, आप ही बता दीजिए। आदमी एक साथ रील बना रहा है, साथ में रह रहा है, तो आदमी दूसरे से शादी कर ले रहा है, वो कर रहा है ना। अच्छा, नीलकमल सर का टैटू बनाए हैं, नीलकमल सर जी आपको देखे हैं, बुलाए हुए लाए हैं? देखे हैं, वीडियो में देखे हैं, अभी उनके पास समय नहीं है, फिर अच्छा फिर अभी बोले हैं समय निकाल कर कॉल करेंगे। अच्छा, सिनेमा उनेमा में काम देंगे? क्या कि जो टैटू बनाते हैं उनको तो सिनेमा उनेमा एल्बम में भी काम दिया जाता है, क्या कुछ बात उत हुआ है सिनेमा उनेमा को लेकर, फिल्म को लेकर या गाना को लेकर? मतलब अभी तो फिलहाल उनका मूवी नहीं आने वाला है। अच्छा, और अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में 5 से 6 7 गाना आ जा रहा है। अच्छा। 1 महीने में तो अभी उनका हर एक गाना ट्रेंड कर रहा है। अच्छा। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मगर उनको मेरे तरफ से कहना चाहिए कि उनको एक मूवी लाना चाहिए। अच्छा, मूवी नीलकमल सर नहीं लाते हैं, क्या कुछ कहिएगा? कहेंगे सर से कि आप मूवी भी लाइए, बहुत लोग का इंतजार है, जैसे आप गाना लाने से पहले लोग इंतजार करते हैं सर का कब गाना आएगा, वैसे आपको मूवी देखने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब आदमी इंतजार करते हैं, वैसे आप भी मतलब मैं कहती हूँ कि आप जरूर मूवी लाइए। अच्छा, खेसारी लाल के साथ नीलकमल सर का फिल्म आया था जी, फिल्म का जो गाना है वो हमारी ऑडियंस को थोड़ा सुना दीजिए। गाना आया था मेहंदी लगा कर रखना 3 था। हाँ। उसमें जो मान लीजिए आप जो खेसारी सर थे। हाँ। उसमें नीलकमल सर के गाने पे उसमें लिए थे। हाँ। तो मान लीजिए उतना सुपरस्टार होकर नीलकमल सर के गाने में ले रहे हैं, कितना अच्छा लगेगा, दोनों लोग जब साथ में है तो। हाँ। हम क्यों नहीं साथ में रहेंगे। सिनेमा का गाना थोड़ा ऑडियंस को ठीक है। अचिरा छोड़ा के चली कहे दियले इतना दूर माई, अब के बबुआ
बबुआ कही के हमके पास बोलाई, तोरा बिना जी कैसे, तोरा बिना जी कैसे, तोर बऊ रहा रे माई रे माई, तोर बऊ रहा रे माई। अच्छा, आपको इस टैटू बनाए हैं, काम मिला भोजपुरी में काम कीजिएगा? हाँ जरूर करेंगे, और टैटू बनवाए हैं जो पगली दिखाए अगरबत्ती वो गाना आया है। हाँ, बहुत ही उनके फॉलो फॉलोइंग जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी बोल रहे हैं आप पे ही गाना गाए हैं। अच्छा, और मुझे मैं तो सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप पर वो गाना गाए थे? हाँ, सब बोल रहे हैं कि फॉलो फॉलोइंग जितना है उतना आप ही गाना आया है। तो मैं ऑडियंस से कहना चाहता हूँ, इनका टैटू है, और बड़ी खबर ये है कि अगरबत्ती वाला जो गाना आया था पगली करके, इन्हीं के मतलब ऑडियंस का कहना है कि आप ही के नाम पे गाना आया। जैसे मैं टैटू दिखार के वीडियो बनाती थी, और थोड़ा अच्छे इनके ही गाने पे ज़्यादा फोकस करती थी और अच्छा। रील्स बनाती थी अच्छा। तो इसलिए मतलब सब उनके फॉलो फॉलोइंग जितने मैसेज करते हैं इंस्टा पे अच्छा। और मतलब यूट्यूब चैनल से और फेसबुक से जितने जिस चैनल से देखते हैं उस चैनल से मतलब बोलते हैं कि आप ही पे गाना आया हुआ है, आप ही समय और कोई लड़की नहीं है तो आप ही के ऊपर गाना गाया है। ये बताइए, हर हर गंगे और संघर्ष 2 एक दिन 20 तारीख को आया है जी, आप सिर्फ हर संघर्ष 2 देखने आए, हर गंगे कौन जाएगा देखने के लिए? हर हर गंगे भी देख लेंगे, कहे कि दोनों भाई एक हो चुके हैं। क्यों नहीं, जरूर हाँ। देखिए, अगर जो दोनों लोग एक हैं तो हम काहे लिए विवाद करने जाए, और क्या हम विवाद में नहीं किसी का कहे। पवन सिंह भी अच्छे हैं, वो भी गाना अच्छे लाते हैं, क्यों नहीं लाते हैं, मगर वो भी हर हर गंगे भी अच्छा है और संघर्ष 2 भी अच्छा है। आपका घर कहाँ पे हुआ बताइए? यूपी जिला कुशीनगर पड़ता अच्छा, है। यूपी से चल के आप यहाँ पर बिहार में पटना में आए हैं सिनेमा देखने के लिए। हाँ, तो मैं अंत तक बने रहिए, दिल से धन्यवाद। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।